हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं ये टावल के गमले, जो टावल और सीमेंट से बनते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल कपड़े से, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप इन्हें इंडोर और आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। इन गमलों को बनाना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाए हुए हैं। आप इनका डिजाइन देख सकते हैं, इनमें कितना अच्छा सा ये डिजाइन आया हुआ है। ये गमले दोनों तरह के सीमेंट से बन जाते हैं, वाइट सीमेंट से और जो दूसरा ब्लैक वाला आता है उससे भी, लेकिन वाइट सीमेंट से बनते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इनमें हमें पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप देखिए इनका डिजाइन, आप इन्हें अपने हिसाब से बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते हैं। ये वाला मैंने जो ब्लैक वाले जो सीमेंट आता है उससे बनाया है ये दोनों, और इसमें मैंने किया हुआ है पिंक कलर। और जो ये दिख रहा है जिसमें एलोवेरा लगा हुआ है, ये लगभग मेरा 3 साल पुराना है और ये काफ़ी मजबूत है। 3 सालों से इस पॉट को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने इसके अंदर एक पॉलीथीन डाल के इस पर एक एलोवेरा का प्लांट लगा दिया था। ये मैंने टावल से बनाया हुआ है, ये देखिए। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, अभी खाली समय में आप इसको बना सकते हैं और अपने घर पर काफ़ी सारे पॉट रख सकते हैं। ये वाला पॉट मैंने कल ही बनाया हुआ है। इसे बनाने के लिए हमें एक खाली डब्बा जैसा आपको सेप चाहिए, ये लंबा वाला डब्बा है, इससे इसका जो पॉट की सेप बनी है ये लंबी वाली है। आप जैसे ग्राउंड वाला बनाना चाहते हैं तो वो आप टोकरी या किसी गोल चीज़ से बना सकते हैं। आपको पॉट का डिजाइन जिस तरीके का चाहिए आप उस तरीके का अंदर से हमें एक डब्बा फिक्स करना पड़ता है। ये देखिए, ये लंबा वाला डब्बा था तो इस पॉट का साइज ऐसे ऊपर को लंबा बना है। अगर हम इसे अपना राउंड वाला बनाना चाहते हैं, जो गोल तरह के पॉट होते हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल गोल पॉट लेने पड़ते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी मजबूत है और इनके अंदर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये दूसरा वाला पॉट मैंने जो ब्लैक वाला सीमेंट आता है उससे बनाया हुआ है, बस उसके बाहर से मैंने इसमें पेंट कर दिया है। इसे बना के आप इसके अंदर भी पेंट कर सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये जो राउंड वाला है ये भी मैंने कल ही बनाया है। ये मैंने बनाया है जो टोकरी आती है गोल वाली उसके साइज का। ये देखिए, काफ़ी आसानी से निकल जाता है और काफ़ी आसानी से बन भी जाता है। इस पॉट को बनाते समय क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा मोटा और जो पानी को सोख सके वो वाला कपड़ा लेते हैं तो हमारा पॉट उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता है। जैसे ये मैंने जो ये वाला मेरा पुराना पॉट है ये मैंने बनाया है जो हमारे घर पे मोटे वाले टावल आते हैं उनसे, अगर आप टावल से बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। और ये वाला बनाया है मैंने सिंपल कॉटन के कपड़े से, इसलिए ये थोड़ा सा पतला बना हुआ है। आप जितना अच्छा मोटा कपड़ा लेंगे हमारा पॉट उतना ही अच्छा बनेगा। इन पॉटों को बनाने के लिए हमें चाहिए, एक तो आप जिस शेप का बनाना चाहते हैं उस शेप का डब्बा, जैसे गोल वाला बनाना चाहते हैं तो ये टोकरी, और लंबा बनाना चाहते हैं तो जो ये टॉफ़ी बिस्किट के डब्बे आते हैं या कोई भी और पुराना गमला हो वो, और एक कपड़ा। कपड़ा ये तो है जो इनर आते हैं हमारे विंटर में पहनते हैं वो वाला, और ये बनाया है मैंने जो हम टावल यूज करते हैं मोटा वाला उसका। सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है टावल का, आप टावल का बनाएंगे तो वो काफ़ी मजबूत बनेगा। और जो इनर का बनता है ये मैंने इनर से बनाया हुआ है, इनर के भी अच्छे बनते हैं क्योंकि उसका कपड़ा भी काफ़ी पानी को सोख लेता है। सबसे पहले हम जिस हमें जिस भी डब्बे या टोकरी में बनाना है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी डाल देंगे, और हम अब एक कपड़ा लेके उसे उसके बराबर नाप लेंगे कि इस हमें दोनों तरफ से इसको बराबर नाप लेना है कि ये लंबा छोटा ना हो जाए। अगर थोड़ा बड़ा छोटा भी हो जाता है तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एक हम इस तरह से कपड़ा डालेंगे और दूसरा पीस हमें इसके दूसरी तरफ से डालना है। हमें इसमें दो कपड़ों का यूज करना है, और दोनों कपड़े वैसे बराबर हों तो अच्छा है, और बड़े छोटे भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें ज़रूरत है सीमेंट की, अब हम थोड़ा सा ये ब्लैक वाला सीमेंट ले लेंगे। आप इसको बिल्कुल सीमेंट ही सीमेंट से भी बना सकते हैं, और सीमेंट में थोड़ा सा रेत मिक्स करके भी इसे बना सकते हो। पूरा सीमेंटी सीमेंट से बनाने में भी ये पॉट बन जाता है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा रेत भी मिक्स कर दें ये तब भी अच्छा बन जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा रेत मिक्स कर रही हूँ, और अब हम इसको बिल्कुल पतला पतला सा हमें बना देना है जिससे जो ये कपड़ा होता है उसे अच्छे से सोख कर ले।
और अगर आप वाइट सीमेंट का बनाना चाहते हैं उसमें भी आप सिर्फ वाइट सीमेंट डाल के पानी डाल के ऐसे ही पतला बना के कपड़ा डुबो के बना सकते हैं। अब हम ये डब्बा लेंगे जिसके ऊपर मैंने पॉलीथीन लगाई हुई है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस पॉलीथीन के ऊपर आपको ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है कि जिससे ये पॉट हमारा इसमें चिपके नहीं। हम अच्छे से इसमें ऑयल पूरा लगा लेंगे क्योंकि ये हमें हाथों से बनाना है, तो इसलिए हम अपने हाथों में भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे जिससे हमारे हाथ फटे ना। अब हम इस सीमेंट के पानी में जो हमारा ये इनर का कपड़ा है इसे अच्छे से इसमें डुबा लेंगे। ये इसे डुबाते ही ये पूरा सीमेंट अपने में सोख कर लेता है, और जैसे सीमेंट सूखने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालते रहें जिससे कि ये अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। कपड़े में सीमेंट बिल्कुल अच्छे से लगना चाहिए, पूरा कपड़ा सीमेंट से डूब जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीमेंट कम हो गया है तो आप अभी इसमें और सीमेंट भी डाल सकते हैं। सिंपल सीमेंट डाल दें और उसमें पानी डाल के फिर से उसको भिगाने लग जाएं। कपड़ा अच्छे से डूबा होना चाहिए। अब हम एक एक दो पीस है हमारे पास, एक पीस को उठा के इसमें अच्छे से पॉट के ऊपर लगा देंगे। आप देखिए हम एक तरफ से इस जो लंबा वाला पार्ट है ऐसे करके लगा लेंगे, और जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा बड़ा रहता है उसे हम इस तरीके से डिजाइन डाल देंगे। तो आप बाद में देख सकते हैं मेरे वाइट वाले में कितने अच्छे से डिजाइन आए हैं। ये देखिए हल्का सा फोल्ड कर लें तो इसमें काफ़ी सुंदर डिजाइन आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कुछ भी डिजाइन इसमें डाल सकते हैं। अब जो ये इस साइड से खाली वाला साइड है, हम दूसरा कपड़ा इस तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और ये पूरा हमारा गमला इस तरीके से कवर हो जाएगा। इस कपड़े को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फोल्ड करूंगी जिसमें बाद में सूखने पे बहुत अच्छे से डिजाइन आ जाए। अगर आपका कपड़ा नीचे से ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप उसे अभी कैंची से कट कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा इस तरीके से चिपक जाता है इसमें। अब जो ये लास्ट में इसमें पानी बचा हुआ, सीमेंट बचा हुआ है, मैं इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट इसके ऊपर डाल दूंगी। आप इसे और मजबूत बनाने के लिए आप जब ये थोड़ा सा सूख जाए, 4-5 घंटे हो जाए, तो आप एक ग्लास में सिर्फ सीमेंट का पेस्ट बना के पानी डाल के इसके ऊपर डाल दें जिससे ये और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। ये देखिए ये आसानी से और काफ़ी जल्दी बन जाता है। इस पॉट को सूखने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। आप इसे जब भी बनाएं तो उसके बाद इसको छाया वाली जगह पर रखें सूखने के लिए। अगर आप इसको बिल्कुल तेज सनलाइट में रखेंगे तो इसमें क्रैक से पड़ जाएंगे। जब 8 से 9 घंटे बाद ये अच्छे से सूख जाए तो आप इसको एक बार इसके ऊपर पानी से इसको भिगा दें। जैसे हम सीमेंट के ऊपर पानी से उसको थोड़ा देर के लिए भिगा देते हैं, उसी तरीके से हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें तो आपका ये पॉट आसानी से बन जाएगा। ये देखिए जो मैंने ये छोटा सा पॉट बनाया है, आप चाहें तो इसके अंदर भी कलर कर सकते हैं जिससे और अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा मजबूत और बहुत टाइम तक चलाने के लिए मैं इसके अंदर एक पॉलीथीन डाल के आप इसमें प्लांट लगाएं। आप चाहें तो इसमें बिना पॉलीथीन के भी प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉलीथीन डालते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें चलेंगे। आप ड्रेनेज होल की आप इसमें चिंता ना करें क्योंकि अगर आप पानी कम डालते हैं प्लांट में तो आपको ड्रेनेज होल की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने इन पॉटों में ऐसे ही अपने दूसरे पॉट डाल के इनको रख लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।